पाकिस्तानी अदाकारा दुर्रेफिशा सलीम, जिनको 2023 से लेकर अब तक काफी ज्यादा पजीराई मिल रही है, इनकी एक्टिंग को भी पसंद किया जा रहा है और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दुर्रेफिशा सलीम की लाइफ और उनके ड्रामास के ऊपर बात करते हैं। उसके जाने बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लाजमी देखें। क्विकली आपको बताता चलूं कि दुर्रेफिशा सलीम 14 जनवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई थी और इनकी एजुकेशन LLB है, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कम्प्लीट की थी। दुर्रेफिशा सलीम एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मॉडल भी है और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2020 से शुरू किया था। दुर्रेफिशा सलीम ने अपने ड्रामा कैरियर का आगाज हम टेलीविजन के ड्रामा सीरियल दिलरुबा से किया था, जो कि 2020 में नशर हुआ। नाजरीन, इस ड्रामे की स्टोरी को कैसरा हयात ने लिखा था, डायरेक्शन दी थी अली हसन ने, जबकि प्रोड्यूसर थी मोमिना दुरैद। इसके बाद था इनका ड्रामा सीरियल भड़ास, जो कि 2020 से 2021 तक नशर हुआ और ये ARY डिजिटल की पेशकश था। दुर्रेफिशा सलीम ने इस ड्रामे में जोया का किरदार अदा किया और नाजरीन इस ड्रामे पर दुर्रेफिशा सलीम को न्यू इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड भी मिला। ड्रामा सीरियल परदेश नाजरीन 2021 में नशर हुआ और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था मरीना खान ने, स्टोरी को लिखा था सरवत नजीर ने, जबकि प्रोड्यूसर थे हुमायूं सईद और शाहजेब नसीब। ड्रामे की दीगर कास्ट में बुशरा अंसारी, सरमत खूसट, शाइस्ता लोधी और अफान वहीद भी शामिल थे। ड्रामा सीरियल जुदा हुए कुछ इस तरह नाजरीन ये 2021 में नशर हुआ और ये हम टेलीविजन की पेशकश था, जिसकी लीड रोल में नबील जुबैरी और हसन खान भी शामिल थे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी नाजरीन 2022 का ये ड्रामा सीरियल, जिसमें दुर्रेफिशा सलीम की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। अब्दुल्ला सीजा की प्रोडक्शन में बनने वाला ये ड्रामा सीरियल, जिसमें दुर्रेफिशा सलीम का साथ दिया था दानिश तैमूर ने, और जबकि दिगर अदाकारों में नोमान इजाज, अतीका ओढ़ो, लैला वास्ती, शहूद अलवी, हम्मा शुएब और जैनब कयूम भी शामिल थीं। ड्रामा सीरियल जुर्म नाजरीन 2023 का ये ड्रामा सीरियल जियो एंटरटेनमेंट पर पेश किया गया। नाजरीन ये एक मिनी सीरीज ड्रामा सीरियल था, जिसमें दुर्रेफिशा सलीम का साथ दिया था वहाज अली ने और तूबा सिद्दीकी भी इसमें शामिल थीं। ड्रामा सीरियल सियाह नाजरीन ये भी 2023 की पेशकश था, इसमें दुर्रेफिशा सलीम ने सारा का किरदार अदा किया था और ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे नशर हुआ था। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी नाजरीन 2023 का ये एक क्लास का ड्रामा सीरियल था, जिसमें दुर्रेफिशा सलीम का साथ दिया था मिकाल जुल्फिकार ने, दोनों ही की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था। नाजरीन इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था सबा हमीद ने, जबकि इसकी स्टोरी को लिखा था नायला जहरा जाफरी ने। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद नाजरीन दुर्रेफिशा सलीम का एक मास्टरपीस ड्रामा सीरियल है, जिसमें शिविरा का किरदार इन्होंने अदा किया था। रोमांस से भरपूर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद नाजरीन, इसमें दुर्रेफिशा सलीम का साथ दिया है बिलाल अब्बास खान ने। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ड्रामा सीरियल खई नाजरीन, इस ड्रामे में दुर्रेफिशा सलीम ने जमदा का किरदार अदा किया। ड्रामे के कास्ट में फैसल कुरैशी, शुजा असद, लैला वास्ती, उसामा ताहिर और नूरुल हसन शामिल थे। ड्रामे की स्टोरी को सकलैन अब्बास ने लिखा था, डायरेक्शन दी थी सैयद वजाहत हुसैन ने, जबकि प्रोड्यूसर थे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। तो नाजरीन, आपने दुर्रेफिशा सलीम के इन ड्रामाज में से कौन सा ड्रामा देख रखा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।